नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं? सुबह की राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, विश्व का कल्याण। मैं रुद्रेंद्र शरण मिश्रा, उत्तर प्रदेश अयोध्या। आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका कैरियर, अधिकतर कारण क्या होता है कि इन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवधान, दिक्कत बनी रहती है। तो जीवन के व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे चीजें इम्पॉर्टेंट हैं, जन्म पत्री, ग्रह, अंतरदशा, महादशा, तंत्र मंत्र, वास्तु दोष, कहाँ तक का भटके आदमी, कहाँ कहाँ तक जाए, कोई ये बता रहा, कोई वो बता रहा, आदमी इसी में परेशान कि आखिर है क्या, मैं क्यों परेशान हूं, मेरी परेशानी का कारण क्या है, इसी चीज को सोचकर परेशान है। परेशान व्यक्ति जब किसी के यहां जाता है तो उसकी परेशानियों को देखकर लोग कहते हैं, हो सकता है किसी ने तंत्र करा रखा हो सकता है किसी ने मंत्र करा रखा हो सकता है तुम्हारे ग्रह ना सही चल रहे हो सकता है पितृ दोष चल रहा हो, काल सर्प योग चल रहा हो, किसी ने काला जादू करा रखा, एनी टाइप्स। भटकते 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 आपकी उम्र, जहां संघर्ष करने का समय कैरियर को लेकर है, वहां आप इन चीजों में भटक कर अपना समय गंवा देते हैं। जो बहुमूल्य समय है उसको आप यूं ही आपकी भी गलती नहीं, कारण कोई सही बताने वाला है नहीं। आज इसने ये बताया, एक हफ्ते उसका इलाज किया, परसों उसने बताया, ओ ये तो था ही नहीं, किसने बता दिया तुम्हारे, तो असल में ये बात है। अब वहां परेशान हो, वहां भी सही नहीं तो आपके एक रिश्तेदार है, कहे सुनो आप कुछ ना करो, वहां चले जाओ, कल्याण हो जाएगा। वहां भी गए, कल्याण क्या हुआ, जयराम जी की हो गया। भाग रहे, दौड़ रहे, क्या जा रहा है, मुद्रा, आर्थिक स्थिति डाउन हो रही, इनकम का कहीं स्रोत नहीं, जाने का स्रोत आप बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें। आज हम इन्हीं विषयों को लेकर आए हैं। सबसे पहले आप अपने कैरियर तरफ ध्यान दें, जहां से दो पैसे की इनकम हो, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखने, अपने कुल देवता के ऊपर भरोसा रखें, अपने पितृ देवता के ऊपर भरोसा रखें, स्वयं के ऊपर भरोसा रखें, चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो। बोला है आप तेज संभारो आप है तीनों लोग हाँपते कापे। अपना तेज क्या है बोलो, अपना तेज है क्या, आत्मविश्वास, आचार विचार, संस्कार, ब्रह्मचर्य, ये चार पांच चीजें होती, इनको संभालिए, विश्वास रखिए। शत्रु कितना भी बड़ा बलवान हो, घर में बाधा कितनी भी बड़ी हो, वो मैं हनुमान जी की कृपा से मैं टालूंगा, ऐसा होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे वीडियो का जो हमारा चैनल, उस पर जाएंगे, आपको किसी भी चीज से परेशानी कैसी भी, ऐसे ऐसे अचूक उपाय दिए गए, सरल दिए गए हैं, वो किसी संबंधित हो, आप उसको घर बैठे करें, लाभ उठाएं और लोगों को बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़कर निवेदन है, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो हमारी लुप्त हो रही विद्याएं, अमूल्य जो हैं, प्राचीन, अचूक, प्रमाणिक, जो आपको जल्दी कहीं गूगल पे और आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेंगी, गुरु ज्ञान द्वारा रहस्यमय विद्याएं, साधना, सिद्धि, उपासना, अघोर वनस्पति, इलाज, सब कुछ मिलेगा, वो भी पूर्णतः निःशुल्क।
आप अपने बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का कॉल कर सकते हैं। कॉल नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और थंबनेल पे भी रहता है, रविवार छुट्टी रहती है। आज हम बताएंगे कि आपके घर में कौन ऐसी वस्तु है, कौन ऐसी वस्तु है कि अगर आपके इस जगह पे पड़ी होगी तो 3 महीने के अंदर पूरा परिवार मानसिक रूप से आर्थिक रूप से परेशान हो जाएंगे। और चैलेंज है, आप खुद देखिए। तो आप तैयार होइए, मैं बताने जा रहा हूं। जैसे हमारे शरीर में, शरीर के वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन आयुर्वेदिक के हिसाब से हमारे कमर के नीचे का हिस्सा एक अलग धड़ हो गया, कमर से लेके गर्दन तक का दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा ही हो गया। 3 प्रमुख हमारे वो शरीर के वो माने गए हैं, मतलब 3 रूप से इसका खंड है, यानी 3। अब इसमें अगर मेरा पेट सही है तो सब कुछ सही है ना। पेट अगर सही है तो तन मन धन सब कुछ सही है। पांव सही है तो हम कहीं जा भी सकते हैं, ठीक है, कोई वर्क भी कर सकते हैं, अपने निश्चित समय को सफर को तय भी कर सकते हैं। सर अगर डिस्टर्ब है, सर में दर्द है, उलझन है, पागलपन है, तो ना कहीं जा पाओगे, ना आपका पेट संबंधित कोई चीज सही रहेगी, सब डिस्टर्ब आपका भी हुआ। तो इसी प्रकार आपके घर का हेड जो होता है यानी सर, वो छत होती है। क्या होता है? छत। और छत पे आप लोग क्या गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं बताऊं? हाँ, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप अपनी छत पे घर का जितना कबाड़ा होता है, टूटी साइकिल, टूटा बक्सा, टूटे फर्नीचर, डैमेज हुई चीजों को उठा के स्टोर कर देते हैं। बहुत से लोग गमले लगाते हैं, पेड़ लगा दिए, पानी देना भूल गए, 2-3 दिन शौक में पानी दे रहे हैं, निराई कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, उसके बाद वो खाली गमले पड़े हैं। महा अशुभ है ये। फर्नीचर बना, फर्नीचर जो नहीं होता है, टूटा फूटा फर्नीचर रखे हुए, महा अशुभ है। लोहे का सामान, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक सामान टूटे फूटे डैमेज पड़े, महा अशुभ है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे चूल्हा जला रहे हैं। गांव में अधिकतर देखा गया क्या करते हैं, चूल्हा जलाते हैं। तो देखिए, अगर घर में आप चूल्हा जलाते हैं, 100% बार नोट कर लीजिए आप इसको, चाहे अपने आसपास देख लीजिएगा। अच्छा, फ्लैट है, फ्लैट बाय फ्लैट, फ्लैट फ्लैट में तो टॉप फ्लोर तो कोई चूल्हा जलाने नहीं जाता, फ्लैट में आप रह सकते हैं। सबसे ऊपर वाली छत की बात नहीं कर रहा, वो हेड होता है, अगर आप उसमें चूल्हा जलाते हैं तो आपके घर में नाना प्रकार के व्याधियां, घर के किसी एक व्यक्ति को हो सकता है ब्रेन ट्यूमर हो जाए, सर की प्रॉब्लम हो जाए, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, या घर में गठिया रोग औरतों को, या घर में आप देखेंगे जो अचानक फल फूल रहा था, ऐसे टूटेगा साल 1.5 साल के अंदर के जिसकी आपने कल्पना ना की हो। चैलेंज है, अगर आपके यहां कोई ऐसा कर रहा हो तो उसका, जब से चूल्हा जला रहा हो उसकी गणना करिए, उससे पहले की स्थिति, आपकी स्थिति मालूम करिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, छत को आप जितना साफ रखेंगे, छत की सफाई जरूर करें। जीवन में, घर में, परिवार में तरक्की चाहते हो तो हफ्ते में एक बार एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें केवड़ा जल छिड़किए और घर छत पे पूरा छिड़काव करिए। और जिस घर में अमंगल हो रहा, आप नाना प्रकार की घटनाएं घट रही हो, तो पंचमुखी दीपक छत को अच्छी तरीके साफ करके बीच में थोड़ा सा अनाज रखे, उसके ऊपर शुक्ल पक्ष की परिवार से पूर्णिमा तक का जला दें। मेरे ख्याल से ये सिर्फ छोटे से उपाय से, जो आप बड़ा बड़ा अनुष्ठान, बड़े बड़े सरकारों के यहां गए, बड़े बड़े दरबारों के यहां गए, बड़े बड़े जगह गए, आप ताज्जुब करेंगे कि ये छोटा सा उपाय कितना बड़ा लाभ दिया। आज इस वीडियो में मैंने 2 चीज बता दी, ये प्रेमवश बता दिया।
इसको करिए लाभ उठाइए। और जो लोग पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है या किसी से भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, वो रूठ गया है, टूट गया है, घर टूटने का संभावना, रिलेशन टूटने की संभावना बनी है और कोई आ ना रहा हो, कोई भग गया हो, तो इसके लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ी है, उसको जरूर देखें, लाभ उठाएं। बाकी भगवान आप सभी लोगों का कल्याण करें, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अगर आप अपने धर्म से, अपने परिवार से, अपने देश से, राष्ट्र से प्रेम करते हो। ये बात मत सोचिएगा कि हो सकता है गुरुजी शेयर करने के 10-10, 5-5 पैसा लाइक के, मैं कोई भिकमंगा नहीं हूं कि चलो 10-10, 5-5 पैसा। जब आप लोग बैकग्राउंड मेरा समझेंगे, सारा कुछ देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी कृपा प्राप्त है। यूं चाहूं भीड़ लगा के जितना चाहूं ले लूं किसी से, लेकिन मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे। उसमें ना मेरी पत्नी आएगी साथ देने, ना मेरा बेटा आएगा, ना मेरे भाई आएंगे, ना मेरे भतीजे आएंगे, कोई नहीं आएगा, ना मित्र आएगा। मुझे भोगना होगा। सबसे बड़ा है गुड एनर्जी। गुड एनर्जी क्या? कि मेरे बताए गए किसी कार्य द्वारा आपका कार्य हो जाता, उपाय द्वारा, तो आप आशीर्वाद देंगे और मुझे दुआ देंगे। यही हमारे लिए अमूल्य पूंजी है। माता रानी आप सभी लोगों का कल्याण करें। कोरोना से बचें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर से हाथ धुलें, एक कप गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर 3 टाइम जरूर लें, आंवला मुरब्बा रूप में या किसी न किसी रूप में लें, दालचीनी, लौंग, सौंठ, काली मिर्च और गुड़, इसका काढ़ा जरूर पिए, या आप ले सकते हैं गुरुच गिलोय। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।